सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लाख दावे कर रही हो, मगर यूपी में गैंग रेप की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला यूपी के बलिया का है, जहां एक शादीशुदा महिला के साथ बंधक बनाकर शराब पिलाकर पिस्टल और चाकू की नोक पर चार दबंगों ने गैंग रेप किया। रेप पीड़िता और उसके पति ने दबंगों पर लगाया गैंग रेप का आरोप। पुलिस इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता के मजिस्ट्रेट के सामने बयान के बाद केस की दिशा तय कर कार्रवाई करने की बात कर रही है। गैंग रेप की शिकार पीड़िता के पति की माने तो किसी बात पर 9 मई को मेरा पत्नी के साथ विवाद हो गया था, जिससे नाराज होकर मेरी पत्नी 13 मई को घर से निकलकर चली गई थी। उसके बाद मैंने काफ़ी खोजबीन की, लेकिन मेरी पत्नी कहीं नहीं मिली और ना ही वह लौट आई। तो मुझे एक आदमी पर शक हुआ कि वो कहीं मेरी पत्नी को वो लेकर कहीं चला तो नहीं गया है। फिर मैंने पुलिस थाने में जाकर कंप्लेंट की, लेकिन पुलिस ने नामजद तहरीर लेने से इनकार कर दिया। गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर 27 तारीख को किसी तरह मेरी पत्नी दबंगों के चुंगल से निकलकर भागी और घर आई। उसने बताया कि चार लोगों ने मुझे एक कमरे में बंद कर पिस्टल और चाकू की नोक पर शराब पिलाकर बारी बारी से 13 दिनों तक गैंग रेप किया। पीड़िता के पति का आरोप है कि पुलिस आरोपियों से मिली हुई है। पुलिस की सुरक्षा में जिला चिकित्सालय में मेडिकल जांच के लिए पहुंची रेप पीड़िता ने जब मीडिया से बात करनी चाही तो वीडियो में देखिए कैसे पुलिस के लोग मीडिया से नोक झोंक कर पीड़िता का बयान लेने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मीडिया से मुश्किल से अपनी बात में कहा कि पिस्टल और चाकू की नोक पर मुझे शराब पिलाकर चार लोगों ने मेरे साथ गैंग रेप किया है। बलिया से शशि कुमार की रिपोर्ट। कितने लोगों ने किया बलात्कार आपके साथ में? आपकी क्या कराया, क्या चाकू के नोक पे? बताइए, चाकू के नोक पर हमको अपने बाइक पर शराब भी पिलाते थे? शराब भी पिलाते थे? महिला कांस्टेबल आपको टॉर्चर कर रही थी क्या बयान बदलने के लिए? जो प्रशासन साथ में आपकी पुलिस आपको दबाव डाली थी, पुलिस दबाव डाली थी तुम्हारे पास? क्या पुलिस बाहर जरूर मत बोलो, दबाव डाल रहे थे? बयान बाहर नहीं देना है। कौन पुलिस बोल रही थी? कल आप तुमको और किसने किसने आपको मारा मारा पीटा? कल बोले कि तुम्हारे तुम्हारे सास ससुर का हाथ है, तुम्हारे देवर का हाथ है, जब तुम्हारा काम निकल जाएगा तुमको लात मार देंगे। ये कैसे पुलिस को पता लगी? आई जो गर्दन में दाग हुआ है तुम्हारे घर वालों का हाथ है। ये कौन बोल रहा था? और उसमें कौन कौन था? हमारे पत्नी जो 27 को मिली थी, 27 को क्या हुआ कि उसको हम लोग डायरेक्ट एसपी साहब के पास गए, वो हमको बताए, हम लोग को बताई कि 13 तारीख से लेकर के और 26 तारीख तक उसको अजीत, उसका प्रिंस, उसका दोस्त है प्रिंस, पप्पू, बिक्की, ये चार लोग उसको पकड़ कर डेली गैंग रेप करते थे। 13 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक बंद रखे थे, 26 तारीख तक। ये कहाँ बंद रखे थे? वो बता रहे थे कि सातवार साइड में कहीं एकांत एकांत रूम है, जहाँ कि हमको बंद करते थे। रात में डेली आते थे लोग मेरे साथ रेप करते थे, दारू पिला पिला कर रेप करते थे, खाना भी नहीं देते थे, मारते थे, पीटते थे। बीच में क्या हुआ कि लड़के को, जिसके ऊपर हम लोग आवेदन दिए थे, वो लड़के को कोतवाल साहब उठा कर लाए। लाने के बाद क्या हुआ कि 2-3 दिन रखे, उसके बाद उसको फिर छोड़ दिए। छोड़ने के बाद, छूटने के बाद लड़का फिर अपने उसके चाचा कुबेर है, कुबेर के साथ वो गया लड़का वहाँ पर जाकर सारे लोग उसके साथ गैंग रेप किए। गैंग रेप करने के बाद क्या हुआ, उसको गले उसके गले को काट के उसके दुपट्टा से पूरा कस करके बोल रहे थे कि मतलब इसको मार दिया जाए, नहीं तो जब तक जिंदा रहेगी तो हम लोग सारे लोग फंस जाएंगे। तो पुलिस छूटी कैसे हुआ महिला? वो बोले कि जब सारे लोग सोए हुए थे तो हम जब सुबह जगे तो देखे कि मतलब गला दबा दिए थे तो बेहोश हो गई थी, वो लोग समझे कि मर गई। पर उसके बाद सारे लोग चले गए, उसमें एक साल लड़का बिक्की जो कि सोया हुआ था, उस जगह देखी कि सोया हुआ है तो धीरे से गेट खोल करके खेत करके भागी। भागते भागते रास्ते पे आई, किसी से लिफ्ट लेकर के सातवार टेम्पू स्टैंड पे आई। कोतवाली बांसटी में एक शादीशुदा महिला अपने पति के घर से दिनांक 13/5/2018 से कहीं चली गई थी, जिस संबंध में उनके पति ने कोतवाली बांसटी में एक गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। ये गुमशुदगी 22 तारीख को दर्ज कराई गई थी और लगातार इनकी इस महिला को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। कल अचानक ये महिला सहतवार में अपने ही चाचा को मिली जो उनको घर ले आया। उनका पति का आरोप अवश्य यह है कि उनके साथ उनके ही परिचित एक व्यक्ति और उसके दोस्तों द्वारा उनको कहीं पर बंधक बना के रखा गया और बलात्कार किया गया, परंतु महिला का जो भी बयान है वो मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होने के बाद ही कार्रवाई, आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। महिला का चिकित्सा परीक्षण कराया जा रहा है, शेष जो भी उसका बयान आएगा उसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई।